नर्मदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मंडला में नर्मदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति खतरनाक जगहों और बाढ़ के पानी के निकट जाकर फोटोग्राफी एवं सेल्फी आदि ना ले। कलेक्टर ने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू भी प्रभावशील है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर ना निकले। अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार बगैर मास्क लगाए व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लगातार नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ रहा, सुरक्षा को देखते हुए मंडला पुलिस द्वारा बड़ा रपटा पुल को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। मंडला पुलिस द्वारा जिले में लगातार बारिश के बीच आमजन की जान माल की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिले के कई स्थानों पर नदी नाले पर बने पुल डूब जाने के कारण आवागमन बाधित हो चुका है, जिसे देखते हुए मंडला पुलिस द्वारा ऐसे सभी स्थानों पर लगातार निगाह रखने के साथ साथ लोगों को भी ऐसे पुलों को पार ना करने और अपनी जान खतरे में नहीं डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा अपील की गई है, जिसमें जनता से नदी नालों के आसपास अत्यधिक सतर्क रहने तथा पुल एवं रास्ता पर बाढ़ की पानी होने पर उनसे दूर रहने की अपील की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।